मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका सुनीता ब्लॉग में। फ्रेंड कैसे हैं आप? और बच्चे जा चुके हैं मेरे स्कूल, तो अभी सब काम हो गया और अब मैं बना रही हूँ दीक्षा के लिए नाश्ता और मैं पी रही हूँ आराम से बैठ के चाय। और ये तो बन चुकी है मेरी रोटी और ये देखो पसीना, इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में और जगह, सब जगह बाढ़ आ रही है और दिल्ली में देखो कितनी गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। तो दीक्षा जा रही है अब ड्यूटी, उसके लिए मैंने नाश्ता वास्ता सब तैयार कर दिया और बाय। मैं घर के और काम निपटाती हूँ। तो मेरा नाश्ता भी हो चुका है और अब जाना है मेरे को बाहर। पहले घर का काम तो कंप्लीट हो चुका है और अब बाहर के काम करके आती हूँ। थोड़ा सा पहले ना जाती हूँ दोबारा से, ये देखो पसीना पसीना, बहुत गर्मी हो रही है। तो मैं पहले बाहर के काम निपटा के आती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं पहले जाती हूँ स्कूल में। स्कूल में जाना है मैंने फीस भरने के लिए और पहले हो के आती हूँ स्कूल से, उसके बाद देखती हूँ फिर टाइम रहेगा तो फिर एक जगह और जाना है। मैं अब निकल रही हूँ, फिर वहाँ पर जाके मिलती हूँ आपसे। गई हूँ स्कूल और मेरा काम और अब मैं जा रही हूँ, अब जा रही हूँ मैं पोस्ट ऑफिस। देखती हूँ रिक्शा मिल जाता है तो रिक्शा में जाऊँगी, नहीं तो पैदल ही जाऊँगी। हाँ पोस्ट ऑफिस और देखती हूँ भीड़ है कि नहीं। तो बन गया है मेरा काम पोस्ट ऑफिस में और अब मैं जा रही हूँ घर। यहाँ देखो कितनी धूप लगी है, इधर और जगह बारिश हो रही है और यहाँ धूप। पैदल जा रही हूँ गली गली के रास्ते देखना। ऑटो वाला तो बुकिंग में आ रहा था इसलिए मैं गलियों के रास्ते निकल गई। चलते मैं थक चुकी हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लेती हूँ लस्सी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर और ये मेरा दरवाज़ा बंद हो रखा है अंदर से, तो अंदर से कोई खोल नहीं रहा। मैं अंदर से बाहर से दरवाज़ा बजा रही हूँ लेकिन अंदर खोल नहीं रहा कोई, ऊपर कोई दिख भी नहीं रहा है। तो मैं थोड़ी देर और वेट करती हूँ और फिर मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अब बनाऊँगी खाना। और ईशु का भी टाइम हो गया है तो देखती हूँ पहले ईशु को ले आती हूँ फिर खाना बाद में बना लूँगी। वैसे भी अब लेट हो गई तो पहले उसको ले आती हैं स्कूल से। तो आ चुके हैं हम घर और हो गई मेरे ईशु की छुट्टी। ये बैग है बहुत भारी इसलिए जाना पड़ता है इस बैग के लिए। तो आज मेरा खाना थोड़ा लेट बन रहा है और लेकिन जब तक कृष्ण आएगा घर से तो इधर बन रहा है मेरा खाना और खाना आज मेरा लेट बन रहा है लेकिन जब तक कृष्ण आएगा स्कूल से तब तक बन जाएगा। वो आएगा अभी 2:30 बजे, 2:30 बजे तक तो खाना तैयार हो जाएगा। खाना को लेने और आगे मेरा खाना जल्दी आओ। कवन का है आराम से। तेरी साइकिल दुकान। तो आ चुका है मेरा खाना घर पे और खोल दरवाजा। और ये पड़ोस के बच्चे अच्छा कूड़ा फेंकने जा रहे हो। साइकिल काम है तभी आने दूंगा। अरे साइकिल शाम को आएगी बन के स्कूल से। और अब कब कहाँ जा रहा है? फटाफट जा जल्दी आना, पहले कपड़े चेंज तो कर लेता। खाना खा चुका है तो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो जा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो जा, ट्यूशन का पूरा काम करके आना अभी ठीक है। ये बाद अब ईशु जा रहा है ट्यूशन और खाना पहले चला गया। तो ईशु चला गया ट्यूशन, खाना आ चुका है ट्यूशन से घर और अपने लिए चाय बना रही हूँ ठीक है। नहीं एक भी नहीं जाना। नहीं इधर खेलने के, अगर खेलने के लिए जाना है तो नहीं जाना है दुकान। इधर आ इधर आ जल्दी आ। इतनी कम कीमत नहीं जाना है, या तो खेलने जा या तो पैसा चीज मिलेगी। 3, 2, 1
बाद में भी नहीं मांगेगा, ठीक है? तो कहा नजारा भी खेलने के लिए जबरदस्ती मैं मना कर रही हूँ, तभी भी ये कहना नहीं मानता मम्मी का। देखो इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही गली में। अभी 5 मिनट में आ, ठीक है? तो आ चुकी है ड्यूटी से, अध्यक्ष ने बना ली है रोटियाँ और अब हम थोड़ी देर में खाएंगे रोटियाँ। तो मैं भी बुलाती हूँ पहले बच्चों को और हम पहले खाना देखने कैसे छीन रहा, उसको भी खिला। तो बच्चों ने तो खा लिया और अब हम खाएंगे थोड़ी देर में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय तो कर दो। बाय गाइस।